खराब हो गए और कितने ज्यादा चढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं गंजी हो जाऊंगी बहुत जल्दी। तू कौन से पापा जी की बूटी ढूंढ रही है किचन में? खुद तो कुछ काम करती नहीं है, ऊपर से फ्रिज भी खुला छोड़ गई। पागल है क्या? इतनी बड़ी दिखने नहीं मैं तुझे। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ अपने बालों से, ऊपर से तूने मेरे कंधे में और चोट मार दी। अच्छा बता क्या हुआ? यार मेरे बाल इतने ड्राई हो रहे हैं और इतने ज्यादा झड़ रहे हैं, कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बन पा रहा है। तो तू मेरे वाला हेयर केयर रूटीन फॉलो करना, तेरे बाल कुछ दिन में ही सही हो जाएंगे। हैं? हाँ। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको भी बताती हूँ अपना क्विक एंड इजी पोस्ट मॉनसून हेयर केयर रूटीन। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपके बाल भी हो जाएंगे मेरी तरह स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है हेयर ऑयलिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बता देती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करती हूँ। मैं तेल लेके थोड़ा सा इसे हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ, आप ओवन या फिर गैस स्टोव में भी कर सकते हो, और उसके बाद अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। अब मसाज के भी ना अपने बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये हमारे स्कैल्प से डेड स्किन को रिमूव करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडिंग सुपर फूड टू आवर डाइट। जब भी हम कुछ ऊपर से अप्लाई करते हैं ना तो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होता, यानी अंदर तक नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं डाइट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कुछ खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को इनसाइड आउट लगेगा, जिससे कि हमें नरिशमेंट मिलेगी। नरिशमेंट। तो मुझे कोई सॉल्यूशन दे दिया फिर मैं किसी और के पास जाऊं? क्या हुआ, गई नहीं? बहन प्लीज प्लीज बता दे कि मैं क्या करूं। यार मैं तेरे सारे काम करूंगी, प्लीज बहन प्लीज बताना अपने बालों का क्या करूं। कपीवा हेयर केयर जूस। Yes, ये है तेरे सारे हेयर इश्यूज का सोल्यूशन। अब बता तेरे क्या हेयर इश्यूज हैं? हेयर थिनिंग एंड प्रीमैच्योर ग्रे हेयर। सॉल्व्ड। इसमें है आमला जो कि हेयर थिनिंग रिड्यूस करेगा और ब्लड प्योरीफाई करेगा, जिससे कि तेरे ग्रे हेयर नहीं होंगे। अच्छा, और हेयर फॉल? सॉल्व्ड। देख, हेयर फॉल का मेन कॉज होता है स्ट्रेस, और इसमें है अश्वगंधा जिसकी मूड बूस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस करने में हेल्प करती है और बालों को भी स्ट्रेंथ मिलता है। और डैंड्रफ एंड लो वॉल्यूम? सॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड, क्योंकि इसमें है भृंगराज और नोनी, इनसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी जिससे तेरे बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। है? सही है, फिर तो मैं ये अभी के अभी सारी बॉटल पी जाती हूँ। पागल है क्या? इसे पीने से पहले बॉटल को अच्छे से शेक करना है और 15 ml जूस को एक ग्लास पानी में मिलाकर पीना है फॉर फर्स्ट 15 डेज, और उसके बाद 15 ml जूस को 30 ml कर देना है। ठीक है, तो आज से ही मैं इसको शुरू करूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है, सुन तो ले पहले। इसे खाना खाने के बाद ही पीना है, दिन में 2 बार। और तुझे पता है इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट केमिकल फ्री वाटर बेस्ड मेथड से लिया गया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं आता, एकदम नेचुरल है। चल बढ़िया है, फेस्टिव सीजन तक कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल भी देख लूंगी और मेरे बाल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इसे 2 महीनों से पी रही हूँ एंड आई कैन फील द डिफरेंस। तुझे भी 2 से 5 महीनों में असर दिख जाएगा। अरे सुन सुन तो, ये तो थर्ड स्टेप सुने बिना ही चली गई, पर वो तो मेरी बहन है, मैं उसे कभी भी बता दूंगी। पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा थर्ड स्टेप है DIY हेयर मास्क। इस हेयर मास्क के लिए मैंने लिया है दही और मुल्तानी मिट्टी, इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है
और इसे मैं महीने में एक बार लगाती हूँ। दही जो है हमारी स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और नरिशमेंट देता है, वहीं मुल्तानी मिट्टी स्कैल्प को अच्छे से क्लेंस कर देता है और एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस हेयर मास्क को अपने बालों में अच्छे से स्प्रेड करके लगा लो। फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दो और बस अब नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लो और रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हो। इस हेयर केयर रूटीन से मेरे बाल कितने ज्यादा लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हो गए हैं। Hey guys, तो ये था जीतू का हेयर केयर रूटीन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और कपीवा हेयर केयर जूस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।